हाँ जी सर, कुदरती आफत जी है वो मार पंजाब चली थोड़ी लेना जी। कल मैं घग्गर के इलाके से मूणक छतराणा पातड़ा माइक उपर थोड़ा दा इलाका से, अज मैं इधर फिरोजपुर के इलाके जाया जिथे जिथे भी ज़्यादा प्रभावित एरिए मैं पहला तो मैं बहुत ही तारीफ करनी चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने बहुत ही ज़्यादा और ये मैं दस रहे हैं कि हज़ार तो ज़्यादा लोगों असी ढाणियों चो कोठिया चो बिल्कुल बाहर लेके आ चुके हैं। और इत मैं कहना कि भारत जोड़ा है गुलदस्ता है, कोई तमिलनाडु तो है, कोई आंध्रा तो है, कोई तेलंगाना तो है, कोई यूपी तो है, पर दे भारती। सो मैं फोन क्यों ले फौज वालों जिनी भी सहायता मिली है वह भी धन्यवाद कर, तो पंजाब सरकार वालों असी कोई कसर नहीं छड़ रहे जिथे भी किते, क्योंकि ये टाइम अगर राजनीति करन दा नहीं, ये टाइम लोगों नूं बचाउण दा है। जीरी दोबारा ला लांगे, पनीरी दोबारा ला लांगे, पर जान दोबारा नहीं आ सकती। सो असी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों, पनसप वालों, पन सीड वालों असी थोड़े जरिए मैं दसना चाहना कि असी तीन चार दिन पहले ही असी पौध जिहड़ी है वह बिजवाती सी, यानी कि पनीरी पनीरी की कोई घाट नहीं आऊगी, दोबारा जीरी लग सकती है जी। पहला भी आपां जदों पुराने टाइम सीगे तो उदों 20-25 जुलाई तो बाद ही झोने लगते होंगे सी जी। सो कोई कमी नहीं आने किसी पक्षों भी, जिन्हों का माली नुकसान होया उन्होंने भी पूरा मुआवजा दिता जाऊगा। जानी तो खैर असी चाहते ही नहीं कि होवे, तो उस वास्ते तो असं सारे हाजिर। फिरोजपुर एरिए की गल की सब 7 to 8 हज़ार एकड़ जो रकबा प्रभावित हो, 40 to 50 पिंड जो हुए। हाँ जी, तुम अब एक जगह से आए हो, एक एक पिंड एक एक घर का जोड़ा स्पैशल गुरदौरी कहें, आम तौर पर जी गुरदौरी होंगी सिर्फ फसलों की जी, मतलब जी स्पैशल गुरदौरी होंगी है वो डंगर पशु भी आते, जे थोड़ा घर भी ढह गया ज पशुआ वाला ढारा भी ढह गया वो भी वो आ। मन साहब मजदूरों को बड़ी परेशानी आती है, हर बार उन्होंने घर ढह जाते हैं, उन्होंने बड़ी समस्या आती है क्योंकि ना जमीन उन्होंने को होंगे ने दिहाड़ी कर। असी तो पहले ही साड़ी गवर्नमेंट ने तो पहले ही यह लागू कर रहा कि 10% का मुआवजा जे करना सारे। मेरा अज 5 acres नरमा मर गया तो मैं सरकार तो अपील करूँगा, सरकार मैं 10,000 rupees 12-15 दे दूगी पर एकड़, पर जिहड़े नरमे नूं चुक के दिहाड़ियाँ करनिया सी जिन्हां दिहाड़ियाँ नाल उन्हां दी कबीलदारी चलनी सी फिर वो तो कितने किसी खाते च भी नहीं आउंदे। पंजाब सरकार ने पहली बार उन्होंने खाते च लिया, 10% उन्होंने मुआवजा मिलेगा। कोई घर ढह गया 1,25,000 rupees 1,25,000 rupees कोई घर ढह गया, कोई डंगर वाले वाले का नुकसान हो गया 1,00,000 rupees। असी किसी भी पंजाब दे विच इस तरह की रात नहीं देखण देवांगे कि वह कहे कि अज मैं भुखा सुत्ता ज अज मैं छत नहीं हैगी। सर तुसीं ट्वीट भी किया कि यह दौर सियासत का नहीं है, पर हाले भी लगातार इनू लैके बयान भी किए जा रहे हैं, पर इतों तक कह दिता गया कि तजर्बा नहीं है, बड़ी बार पहला भी कहा गया कल इसे लोग तजर्बेकारा तो ही दुखी ने। धन्यवाद।